लगता है इस दौर क्या पार सबको इस सारे मुकाबले को लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। मुंबई से भी कुछ लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं। शुक्रिया तमाम लोगों का जो मुंबई वासी इस मुकाबले को देख रहे हैं शाह पार के जरिए, वजीर का शुक्रिया। तो इस तरह से मुकाबला मुंबई का देखा जा रहा है। टू अगेंस्ट लव अच्छी सर्विस हुई, फिर यहाँ पर हारिसा है लाजवाब इस मैच दिया लव अगेंस्ट टू का स्कोर और सर्विस फेवर ऑफ हारिस अक्वाटेड अशरफपुर। राफे रही था लेकिन अब एक प्रहार कर रहे थे, अभी का इशारा आया और उस तरह से खाता खुला है अशरफपुर का वन अगेंस्ट टू, लेकिन उसी दरमियान खराब सर्विस दो और एक, फिर वहां पर संभाला है सोनू ने और ये ब्लॉक जरूर किया है राफे ने लेकिन नाकाम ब्लॉक। एक दो सर्विस पर हारिस अगवा ट्रेडर अशरफपुर, मोहम्मद आसिफ टू सब डिफेंडेड बाई दीशान और लवली शॉट बाई मिस्टर माज अहमद। अम्बारी मैं कह रहा हूँ कि अकरम वालीवाल आजमगढ़ इस मुकाबले की हर एक शांत को रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टैंड नहीं आए हैं लेकिन अपने फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इस मुकाबले को स्कोर कर रहे हैं। अच्छी सर्विस नहीं कही जाएगी, एक और दो डिफेंडेड बाई मोहम्मद अब्दुल्ला, मास का हल्का हाथ लेकिन फिर संभाला है वाजिद वापे के लिए और वहां पे नेट चार्ज करते पकड़े गए मिस्टर वापे रईस। नतीजा थ्री माधव ने चार्ज वहां पे पकड़ा गया अशरफपुर के खिलाड़ियों का, फिर वहां पे आकिब ने संभाला ईशान इस मैच किया लेकिन अब्दुल्ला वहां पर मौजूद वाजिद टू अब्दुल्ला, इस बार अब्दुल्ला रहे कामयाब फोर अगेंस्ट वन चार एक। तो स्थिति को ठीक घोष कर रहे हैं असद सरफुद्दीन जो कि नेशनल ट्रेडर्स पकवाइनार मौला जान शहीद नेशनल ट्रेडर्स के मालिक हैं, बेहतरीन सेटर अपने दौर का और कहीं ना कहीं जब टीम मुश्किल में जाएगी तो फिर से वो मैदान पर आ जाएंगे। वहीं पे अबू जैद को भी देखा जा रहा है, इस इलाके का बल्कि कहा जाए इस खत्ते का आजमगढ़ का बेहतरीन शटर यहाँ पर मौजूद, आज उन्हें आज रिश कर रहे हैं, आज आराम कर रहे हैं कि कल मुबारकपुर में चलना है, कल मुबारकपुर का मुकाबला इनको खेलना है। और फिर यहाँ तीन नंबर अब्दुल्ला टच आउट कराने के बाद वापस अपने स्थान पर सिक्स अगेंस्ट वन शेख, हल्की सर्विस है, सर्विस को संभाला है जीशान टू मोहम्मद तारिक लेकिन मैच की जुल्फों वालों और रालों में उलझ कर रह गए। नतीजा पहला टाइम आउट दिया गया है यहाँ पे हारिस अथवा दिया क्लब बहुत अर्जन क्लब अशरफपुर और आरिस हारिस क्लब अशरफपुर। तो अंसार अहमद साहब भी मैंने कहा कि अब धीरे धीरे जा रहे हैं, शुक्रिया अंसार साहब। एक साल का स्कोर है सर्विस को संभाला, फिर यहाँ पर आती जमालुद्दीन आती पाए लेकिन मां आती जमालुद्दीन का शायद ब्लॉक और ब्लॉक के जरिए दबाया है। एट अगेंस्ट वन आठ और एक का स्कोर, सर्विस कंटिन्यूएशन नाम का कहता नॉर्मल सी सर्विस लेकिन इस बार खराब सर्विस हरियाणा सर्विस की सूरत में भुगतना पड़ा। एक आवाज अशरफपुर यहां से वापसी करे, ये गोल्डन चांस है, सर्विस आपके पास है, लगातार दो तीन मैच के लिए ताकि मुकाबला घमासान युद्ध में तब
बातिल हो जाए, लेकिन आतिका के रात निशान ने सवाल फिर आए मास पुरजोर अटैक दिया, पुरजोर हमला किया और सही ईश्वर पता नहीं कहां से हो गया। अरे भैया सही कहां से हो रही है, मुकाबला चला आप लोग बाल अलग भाई, जरा उनको भी चाय पिला दिया जाए भाई। अच्छा क्रिकेट यहाँ पे निशान का फिर यहाँ अब्दुल्ला, लेकिन इस मरतबा अभी आगे बात सलीम यहाँ पे चोरी कर रही है, बड़ी चीज चोरी करी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा जाग जाए तो बेहतर होगा। आराम पे रही इसलिए ट्राई कर रहे थे टाई लाइन के काफी दूर, बहुत देर के बाद रेफरी महोदय का यहाँ पे इशारा हुआ है पॉइंट बड़ी आसानी के साथ टू अगेंस्ट नाइन, हल्का सा हार दिया लेकिन हार इस निशान के लिए और इस निशान ने कर दिया हर निशान पर हमला थ्री अगेंस्ट नाइन। शाहबाद सब कुछ मुकाबले को लाइव चला रही है, अकरम मालीवाल आजम भट्ट हर एक दास्तान यहाँ पे शो कर रहे हैं, इस मुकाबले की शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इसको धीरे धीरे और इस बार आती आए, लेकिन फिर आसिफ ने सवाल सोनू का ग्रास ईशान वहाँ पे मौजूद अब्दुल्ला मार के लिए पावरफुल स्मैश दिया, थर्ड लाइन पर प्रहार किया, समझ गया सरदार हमला देकर यही कहा है कि मौसम में परिंदों को ये बात बता दी है उस झील पे मत जाना और झील पे खतरा है। बोल 11 फिर यहाँ पर इस दफे पर आप लगा